भाई एवं भैया जी और दीदी को, अनरक्षक भाई दीदी को मेरा प्रणाम। मैं मुख्तियारपुर सलखनी पंचायत से हूँ। मेरा नाम काजल कुमारी है। मैं 13 नंबर वार्ड में रहती हूँ और पानी टैंकी का नल जल योजना वाला चलाती हूँ। मेरे साथ मैंने 4 साल से, हम 2019 से जो है बहाली है, 4 साल से पानी चला रहे हैं हम। और कुछ दिन पहले क्या, 2 बार पहले ताला तोड़ चुके हैं वार्ड नंबर। तोड़ करके हम बोले ठीक है तोड़ देंगे, बाद में चलाएंगे ठीक कराने के लिए। उसके बाद फिर रामनवमी के दिन, इस दिन परसों का घटना है, जो ताला जबरदस्ती वार्ड नंबर नए वाले जो चयनित हुए हैं वो आए तोड़ने के लिए। खूब मेरे साथ जो है जबरदस्ती दुर्व्यवहार किए, नहीं हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे, मेरा पावर है, तुम्हारा क्या अधिकार है। हम बोले 4 साल से चलाएं, मेरे पास पेपर है, देखिए मेरे पास अधिकार है, आप कैसे तोड़ने आए सो बताइए पहले। तो नहीं, मेरा पावर है, मेरा औकात है, हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। सो जबरदस्ती किए तो सर लोग गए जाके बैठाएं, हम लोग आवेदन अंतिम में आकर के जो उस दिन ही शाम में जो है 30 तारीख को रामनवमी के दिन हम आवेदन दिए हैं थाना में, जो वार्ड नंबर जो है मेरे साथ बदमाशी करता है और जबरदस्ती नल का बार बार जाता है ताला तोड़ने के लिए, पानी चलाने में दिक्कत करता है, जो नहीं चलाने देंगे। इस पे आप लोग मैंने विचार कीजिए जो क्या करना चाहिए, एकता बनाइए। जो एक मेरे साथ ऐसे हो रहा, सबके साथ कुछ ना कुछ, हर वार्ड में हर पंचायत में दिक्कत है। जब तक आप लोग एकता नहीं बनाएंगे उसके साथ वो ऐसा ही होता रहेगा। नहीं आए तो आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ही होते रहे, क्या कहता है, ऐसा ही हम लोग रेंगते रहें कीड़े का तरह, बगैर पैसा का बगैर मजदूरी का काम करते रहें हम जिंदगी भर। आप पैसा बैठ के करके खाएगा कुर्सी तोड़ के वार्ड नंबर और मुखिया सरपंच खाएगा कि खटेंगे वो खाएंगे, बोलिए आप लोग। उसके लिए आवाज उठाना होगा, आवाज उठाएंगे तब ना बोलेंगे। सब बैठे रहते हैं सुनते नहीं है, एकता नहीं बनाते। और इस टीम में ही हम बोलते हैं, सामने में बोलते हैं, जिस वार्ड पंचायत में कोई आदमी है उससे मिले हुए हैं, वो क्या कहते हैं, उसके दरवाजे पे पहुंचने नहीं देते हैं आदमी को। क्यों नहीं पहुंचने देते हैं सो बताइए हमरा पहले। पहुंचेंगे तब तो उसका बारे में जानेंगे, उसकी समस्या को हल करेंगे, ना कि आदमी को भड़काएंगे। एक के साथ आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा, हमेशा होगा। जब तक एक नहीं रहेंगे ऐसा ही हमें रद्दी की तरह, हम लोग कागज की तरह फेंकते रहेंगे, काम करवाते रहेंगे फेंकते रहेंगे, यूज करेगा रद्दी की तरह फेंक दिया जाएगा। इस पर आप लोग विचार कीजिए, इसी पर हम विराम देते हैं अपनी वाणी को। प्रणाम सभी को।